दोस्तों, वर्तमान समय को टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है क्योंकि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करना आसान हो गया है। लेकिन दोस्तों, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है उतनी ही ज़्यादा खतरों में भी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करता है तो उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसका कंप्यूटर हैक ना कर ले और उसका पर्सनल डेटा चुरा ना ले। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया के 5 सबसे बड़े हैकर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, केविन पॉलसन। दोस्तों, केविन पॉलसन को दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। आपको बता दें कि केविन ने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक कर एक शो जीत लिया था और दोस्तों, शो जीतने के बाद उसे एक पोल्स कार मिली थी। लेकिन उसके बाद FBI की नज़र उस पर पड़ गई थी, जिसके बाद उसने FBI को भी नहीं छोड़ा और उनके सिस्टम को हैक कर लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने पर वह पकड़ा गया और उसे 51 हफ्ते की सज़ा सुनाई गई थी। नंबर 4, केविन मिटनिक। दोस्तों, केविन मिटनिक को दुनिया का 4था सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। आपको बता दें कि केविन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है। उसने अमेरिका के बड़े से बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट को हैक कर लिया था। दोस्तों, केविन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में भी सेध लगाई थी और साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट की फाइल भी आसानी से खोज निकाली थी, जिसके बाद उसे 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद वह कंसल्टेंट बन गया और अब वह साइबर सिक्योरिटी को एक नई दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। नंबर 3, अल्बर्ट गोंजालेज। दोस्तों, अल्बर्ट गोंजालेज को दुनिया का 3रा सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। आपको बता दें कि इसने करोड़ों लोगों को कंगाल बना दिया था। दोस्तों, इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक गोंजालेज के पास 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल थी, जिसे बेचकर उसने करोड़ों रुपए कमाए थे। और यही नहीं, वो फर्जी पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे चीज़ें भी बनाता था। नंबर 2, रियान कॉलिंस। दोस्तों, रियान कॉलिंस को दुनिया का 2रा सबसे खतरनाक हैकर माना जाता था। वाशिंगटन टाइम्स की खबर के मुताबिक इस हैकर ने जेनिफर लॉरेंस से लेकर केट अपटन की न्यूज फोटो लीक की थी, जिसके लिए इसे बाद में सजा भी दी गई थी। दोस्तों, यह हैकर मोबाइल से प्राइवेट फोटो, मैसेज और वीडियो निकालने में माहिर है। नंबर 1, जोनाथन जेम्स। दोस्तों, जोनाथन जेम्स को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। आपको बता दें कि जोनाथन ने ऐसा काम किया था जिससे नासा भी हैरान हो गया था। दोस्तों, NY टाइम्स की खबर के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा हैकर सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।